कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के साथ ही देश के कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों को खोलने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान केंद्र के साथ ही राज्य सरकार ने अपील की है कि कोविड 19 गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और हाथों को नियमित समय पर धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इन सब तैयारियों के बीच खुले स्कूलों में भी कोरोना पांव पसारने लगा। हरियाणा के स्कूलों में 175 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, वही करीब 18 अध्यापक भी कोरोना संक्रमित हैं। उधर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भी 80 टीचर बीते दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में सरकार से स्कूल खोलने के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग उठने लगी है। हरियाणा सरकार ने 16 नवंबर से कॉलेजों और विश्वविद्यालय को खोलने का फैसला लिया था। ऐसे में अब हरियाणा के स्कूलों में 175 छात्र और करीब 18 अध्यापक भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। विपक्ष ने सरकार से स्कूल खोलने के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने साफ कर दिया है कि अभी स्कूलों को बंद करने की दिशा में कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सभी स्कूल प्रबंधकों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 7 महीने बाद 19 अक्टूबर को स्कूल खोले गए थे। हालांकि स्कूलों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स तक के लिए ही खोला गया था। इसके साथ ही स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए भी प्रोटोकॉल तय किए गए थे। अब यूपी सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल में छात्रों की संख्या को 50% तक बढ़ाने का आदेश दिया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। इस दौरान पौड़ी जिले में 80 शिक्षक शिक्षिकाओं को बीते दिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद जिले के 5 ब्लॉकों के कुल 84 स्कूलों को अगले 5 दिनों के लिए बंद करवा दिया गया था। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को बुलाया गया है क्योंकि उनकी बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। सरकार ने SOP जारी कर रखी है जिसका कड़ाई से पालन अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।